और स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आए, ये नंबर 92। और देखिए ग्रामर वर्क आपको दिए हुए ऊपर हेडिंग है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आपको पता है इंस्टेड ऑफ नाउन है, लेकिन आगे से प्रोनाउन की भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे, बट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। लाइक इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग किसी भी आम चीज़ के लिए, आम इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के लिए हमने कोई वर्ड हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। बट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन ख़ास तौर पे किसी भी हम जो चीज़ है या जगह है उसके लिए यूज़ नहीं करते। लाइक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वन, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, ठीक है। तो इन ये सब क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। अंडरलाइन द इंडेफिनेट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। अब हमें ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें हम लोगों ने जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करना है। सम आर बॉर्न ग्रेट। अब सम इसमें क्या है, ठीक है, किसी खास पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही, तो सम क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, फ्यू को हम लोगों ने अंडरलाइन करना है, फ्यू इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब ये एक एज अ इडियम हम लोग यूज़ करते हैं कि वो इंसान जो बहुत चुप चुप रहता है और बहुत गिनी चुनी बातें करता है, लाइक बहुत ही थोड़ा बोलता है लेकिन जो बोलता है वो बहुत आप कह लें कि अक्लमंद होता है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वन नेवर नोज हु माइट बी लिसनिंग, वन इसमें क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैनी ऑफ देम वर क्रिश्चियंस, मैनी इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इज एनीथिंग इन दैट बॉक्स, एनीथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट पेज पर आए, ये क्या है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि जब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो सेम पर्सन या सेम चीज़ के लिए, जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो काम करते हैं, दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं, एक इंसान को रेफ़र कर रहे होते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब जो सिंगुलर हैं उनके लिए, आई के लिए हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ। और जब बात होती है प्लूलर की, ठीक है, जो ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसके लिए वी के लिए हम लोग आर सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के लिए योर सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ, ठीक है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, अब इसमें देखें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही काम, एक ही बात को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने खुद को जो है वो हर्ट कर लिया। अब कैसे कर लिया? ये कुछ भी हो सकता है, गेम खेलते हुए खुद को चोट लग सकती है या इस तरह, ठीक है। तो क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिवन बिलो। अभी हमें कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हुए हैं। वी होप टू अवेल डैश ऑल कैजुअल लीव्स, वी होप टू अवेल आवर सेल्फ, वी है तो वी के साथ हम क्या लगा रहे हैं? आर सेल्फ, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हमें जो छुट्टियाँ हैं वो मिल जाएंगी। शी कुड नॉट अवेल डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी, शी could not avail herself of the opportunity, he absented dash from the class, he absented himself from the class, they saved dash by contacting the fire brigade immediately, they themselves, theek hai। you resigned dash to your fate, you ke sath kya humne lagana hai? yourself। We treated dash by watching a wonderful movie last night, we के साथ भी हम लोग ourselves लगाएंगे। I bought dash a few computer yesterday, I bought myself, यानी मैंने अपने लिए, I की बात हो रही है, myself की बात हो रही है। Don't you deceive dash, don't you deceive yourself, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है।